हेलो गाइस, वेलकम टू पिताटॉक्स। आज मैं एक बार सबके लिए नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि आपका सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ चुका है, और जब भी रिजल्ट आता है, जब भी कोई नया अपडेट आता है, तो काफ़ी बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होता है और काफ़ी डाउट्स भी पैदा होते हैं। तो अभी एक और बड़ा डाउट जो है बच्चों के मन में चल रहा है कि एग्ज़ाम के नीचे जो है, रिजल्ट के नीचे आपके लिखा है कि क्वालिफाई इन एग्ज़ाम, ठीक है। तो अब बच्चे इसको समझ रहे हैं कि जो क्वालिफाई इन एग्ज़ाम है, इसका मतलब है कि उनका मेडिकल के लिए भी क्वालिफाई हो गए। तो ये काफ़ी बच्चों के मन में डाउट है, तो उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप एक लाइन नीचे देखोगे तो वहाँ लिखा है कि जो जितने भी सारे सेक्शन हैं उसमें मिनिमम 25% चाहिए होते हैं, ओके। अब सारे सेक्शन का मतलब क्या है, जैसे आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, आपकी जनरल नॉलेज हो गई, आपका मैथ्स का हो गया, और इसके साथ रीजनिंग का भी हो गया। तो हर जो सेक्शन है उसमें आपको मिनिमम 25% मार्क्स लेके आने होते हैं, ये इसका क्राइटेरिया है 25%। इसके साथ एक क्राइटेरिया और है कि जब इन सब मार्क्स के बाद इनका टोटल होगा, उस टोटल का सम भी 120 से ऊपर होना चाहिए, यानी 40% आपके टोटल ओवरऑल बनना चाहिए, ठीक है। तो दो क्राइटेरिया देखिए, हर सेक्शन में 25%, इसके साथ साथ और ओवरऑल जो आपका काउंटिंग होगा, ओवरऑल आपका जो टोटल होगा वो भी 40% से ऊपर होना चाहिए, यानी 40% 300 का 40% लोगे तो आपका स्कोर बनेगा 120, ओके। तो ये क्राइटेरिया है एग्ज़ाम को मिनिमम पास करने के लिए। तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ अभी एग्ज़ाम को पास किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका मेडिकल कॉल आने वाला है। तो ये जो डाउट है आपको अब क्लियर करना चाहिए आपके मन से। तो अभी जो है मंजिल और दूर है। अभी क्या होगा कि सैनिक स्कूल के जितने भी सैनिक स्कूल है अलग अलग, वो अपनी वेबसाइट पर क्या क्वालिफाइड लिस्ट है उसको अलग से निकालेंगे, वो भी मेरिट के बेसिस पे, जिनका नंबर ज़्यादा आएगा उनको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वालिफाई लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लिया, इसका ये मतलब है, पर आपने मेडिकल के लिए क्वालिफाई किया, इसका ये मतलब कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो इस डाउट को थोड़ा क्लियर करना ज़रूरी था, काफ़ी बच्चों ने डाउट पूछा। और जहाँ तक की बात है कि क्वालिफाइड लिस्ट की बात है, ये भी डाउट आ रहा है कि क्वालिफाइड लिस्ट कब आएगी। तो इसके बारे में मैं बता दूँ कि जैसा कि पिछली बार हुआ था कि 2 से 3 दिन में क्वालिफाइड लिस्ट आ चुकी थी, तो इस बार भी पॉसिबल है कि ये जो फर्स्ट वीक है मार्च का, इसमें आ जाना चाहिए आपका क्वालिफाइड लिस्ट भी सारी सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर। इतना हमने इंतजार किया तो थोड़ा सा और इंतजार कर लेंगे और बहुत जल्दी हमारा क्वालिफाइड लिस्ट भी जाएंगे। फिर देखते हैं किन तो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, किस स्कूल का क्या कट ऑफ रहा है। और अभी मैं काफी बच्चों से पूछ रहा हूं कि उनके क्या स्कोर है, उस स्कोर के आधार पे मैं आपका जो है कट ऑफ भी एनालिसिस करने वाला हूं कि किस स्कूल का क्या रहने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करनी थी। सैनिक स्कूल से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।